हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ छाया और मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम मक्के के आटे का डोसा बनाएंगे। बिल्कुल क्रिस्पी और टेस्टी डोसा बनकर तैयार होता है और बिना किसी झंझट के कभी भी इसे आप आसानी से बना सकते हैं। और इसे मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ कि डोसा कितना क्रिस्पी बना है, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक कप मक्के का आटा लेंगे। ये वही मक्के का आटा है जिससे हम रोटी या बाफले बनाते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप चावल का आटा, 1/4 कप गेहूं का आटा। पहले हम आटों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे एक कप पानी और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। जिस भी कप या कटोरी से आप आटा लेंगे उसी कप से आपको पानी का मेजरिंग करना है। तो एक कप पानी हम इसमें और डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ध्यान रहे कि इसमें गुठलियाँ ना बने, तो इसे अच्छे से मिक्स कर लें। तो अभी हमने इसमें 2 कप पानी डाला है, बाकी पानी हम बाद में डालेंगे। तो अब हम इसे ढककर 20 से 25 मिनट के लिए अलग रखेंगे। और अब हम डोसे के लिए चटनी बनाएंगे। जार में डालेंगे 1/4 कप नारियल। तो नारियल का छिलका निकाल कर मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर लिया है। 1/4 कप भुनी हुई मूंगफली के दाने, 1 इंच अदरक, 2 हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया, 2 चम्मच दही डालेंगे, नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे। तो पहले हम चटनी को बिना पानी के पीस लेंगे। तो इस प्रकार से चटनी को हमने बिना पानी डाले पीस लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप जितना पानी और इसे एक बार फिर पीस लेंगे। तो चटनी को हमने पीस लिया है, तो इसे अब हम बाउल में निकालेंगे। तो चटनी में आप पानी थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब हम चटनी के लिए तड़का बनाएंगे। तड़का पैन में 1 टेबल स्पून तेल गरम करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून सरसों, थोड़े से कड़ी पत्ते, 2 पिंच हींग, 2 से 3 छोटी सूखी लाल मिर्च और तुरंत तड़के को मिक्स कर चटनी पर डालेंगे। तो चटनी बनकर तैयार है। अब हम इसे अलग रखेंगे। 20 से 25 मिनट डोसे के बैटर को हमने ढककर अलग रख दिया था। अब हम बैटर में कुछ मसाले डालेंगे। 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे, 1/2 कप बारीक कटा हुआ धनिया डालेंगे, साथ में डालेंगे 1 कप पानी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हमने इसमें 3 कप पानी डाला है, तो घोल थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, तो हम इसमें 1/2 कप पानी और डालेंगे। बैटर हमें ज़्यादा पतला या ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है, तो इस प्रकार से हमें बैटर को बनाकर तैयार करना है। और बैटर बनाने में हमने 3.5 कप पानी का यूज़ किया है। तो अब हम डोसे बनाएंगे। डोसे को हम नॉनस्टिक पैन में बनाएंगे। तो पैन में हम थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसे अच्छे से साफ़ कर लेंगे। तवे को हमें अच्छे से पहले गरम करना है और अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और बैटर को तवे पर डालेंगे। तो इस प्रकार से करछी से तवे पर सभी जगह पर बैटर डालेंगे। डोसे को हमें पहले लो फ्लेम पर ही सेकना है, जब तक कि ऊपर से ड्राई नहीं हो जाता और इस पर हल्का सा कलर नहीं आने लगता। तो ऊपर से जब ये ड्राई हो जाएगा तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा तेल डालेंगे। तेल की जगह पर आप बटर भी लगा सकते हैं। और अब हम फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे और डोसे को अच्छा सा कलर आने तक सेकेंगे। तो तवे को थोड़ा सा घुमाकर चारों तरफ हम अच्छे से सेक लेंगे। इस प्रकार तवे को घुमाकर सेकने से डोसे पर चारों तरफ अच्छा सा गोल्डन कलर आएगा। तो थोड़ी देर बाद आप देख सकते हैं कि डोसे पर बहुत ही अच्छा सा कलर दिखने लगा है। तो इसे अब हम निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारा सा कलर आया है और बहुत ही क्रिस्पी डोसा बना है। डोसे को हम तोड़कर भी देखेंगे कि डोसा कितना क्रिस्पी बना है। तो डोसे को बनाते समय बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि आपको डोसे को लो फ्लेम पर ही सेकना है। जितने अच्छे से सेकेगा उतना ही क्रिस्पी डोसा बनकर तैयार होता है।
तो बिना किसी झंझट के कभी भी इस डोसे को आप आसानी से बना सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी डोसा बनकर तैयार होता है। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।